मार्कस एस्टोनिस के शानदार हरफन मोला खेल की बदौलत लखनऊ सुपर ज्वाइंट ने मुंबई इंडियंस को बहुत ही आसानी से हराते हुए अपने 10 मैच में 6 जीत के साथ तीसरे पोजीशन में पहुंच गई है और लखनऊ सुपर ज्वाइंट यहां से बाकी बचे मैचों में और 2 मैच जीत जाती है तो लगभग उसका प्लेऑफ में पहुंच जाता है। वहीं पर बात करें मुंबई इंडियंस की तो उन्होंने भी 10 मैच खेले हैं और वो मात्र 3 मैच जीती है और इस तरह से उसके 6 पॉइंट है और 9वें पोजीशन पे मुंबई इंडियंस पहुंच गई है। और यहां से अगर बाकी बचे मैच सभी मैच भी अगर मुंबई इंडियंस जीत जाती है तब भी उसका प्लेऑफ में पहुंचना लगभग नामुमकिन है। मुंबई इंडियंस देखने में कागज पर बहुत ही मजबूत टीम दिखाई देती है, इसमें ज़्यादातर प्लेयर्स इंटरनेशनल प्लेयर हैं, बट पता नहीं मुंबई इंडियंस को किसकी नज़र लग गई, इतनी अच्छी टीम होने के बावजूद भी वो कुछ इस बार कमाल नहीं कर पाए। रोहित शर्मा को हटाकर हार्दिक पांड्या को कैप्टन बनाने का ये मुंबई इंडियंस का जो फैसला था वो बहुत ही गलत साबित हुआ और हार्दिक पांड्या भी इस सीजन कुछ कमाल नहीं कर पाए। और वहीं पर बात करें रोहित शर्मा की तो रोहित शर्मा भी एक दो मैच में छोड़ दिया जाए तो वो भी किसी मैच में चले नहीं हैं। पता नहीं जिस तरह से वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा को कैप्टन और हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन बनाया गया है, समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग वर्ल्ड कप में क्या करेंगे। अगर आईपीएल का परफॉर्मेंस देखा जाए तो हमें उम्मीद ही नहीं है कि ये लोग इंडिया को वर्ल्ड कप भी जीता पाएंगे। बात करें इस मैच की तो यह मैच लखनऊ सुपर जॉइंट के होम ग्राउंड यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में खेला गया, जिसमें लखनऊ सुपर जॉइंट ने पहले टॉस जीतकर बॉलिंग करने का निर्णय लिया और उसका यह निर्णय बहुत ही अच्छा साबित हुआ क्योंकि मुंबई इंडियंस का पावर प्ले में ही मुंबई इंडियंस ने 4 विकेट खो दिए थे और वो मात्र पावर प्ले में 28 रन ही बना सकी थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुंबई इंडियंस की शुरुआत कितनी खराब रही होगी। मुंबई इंडियंस का पहला विकेट 7 रन पर रोहित शर्मा के रूप में गिरा, रोहित शर्मा मात्र 4 रन बनाकर मोहसिन खान की गेंद पर आउट हो गए। उसके बाद तो मानो विकेटों का पतझड़ सा लग गया। उसके बाद सूर्य कुमार यादव 10 रन, तिलक वर्मा 7 रन और हार्दिक पांड्या मात्र उन्होंने तो खाता भी नहीं खुला उनका और इस तरह से 27 रन पर मुंबई इंडियंस के 4 विकेट गिर गए थे। इसके बाद निहाल वढ़ेरा और ईशान किशन ने पारी को संभाला। निहाल वढ़ेरा मुंबई इंडियंस की तरफ से टॉप स्कोरर रहे जिन्होंने 41 बॉल पर 46 रन बनाए जिसमें उसके 4 चौके 2 छक्के शामिल थे। वहीं पे ईशान किशन की बात करें तो वो 36 बॉल पर मात्र 32 रन बना सके जिसमें उसके 3 चौके शामिल थे। वो बहुत शुरू से ही एकदम संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे थे। वहीं पे वो तो भला हो टीम डेविड का जिन्होंने अंतिम ओवरों में आकर 18 बॉल पर ताबड़तोड़ 35 रन बनाए और टीम का स्कोर को 144 रन तक पहुंचा दिया। इस तरह से इन लोगों के पारियों के बदौलत मुंबई इंडियंस निर्धारित 20 ओवर में 144 रन बनाने में कामयाब हो पाए। लखनऊ सुपर जॉइंट की तरफ से मोहसिन खान ने 4 ओवर में 36 रन देकर 2 विकेट प्राप्त किए। वहीं पे एस्टोनिस ने भी 3 ओवर में मात्र 19 रन देकर 1 विकेट प्राप्त किया। लखनऊ सुपर जॉइंट की तरफ से एक बुरी खबर यह रही कि उनके सबसे अच्छे बॉलर यानी कि मयंक यादव फिर से उन्हें कुछ प्रॉब्लम हो गया है। वे मात्र 3.1 ओवर ही गेंदबाजी की और उसके बाद वो ग्राउंड से बाहर चले गए। उन्होंने 3.1 ओवर में 31 रन देकर 1 विकेट प्राप्त किया। वो इंजरी के बाद बहुत दिनों के बाद वो वापस मैदान पे आए थे बट उन्हें फिर से कुछ प्रॉब्लम हुआ और वो बाहर चले गए। उनका ये स्पेल मतलब ओवर को पूरा किया नवीन उलहक ने सबसे अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। उन्होंने 3.5 ओवर में मात्र 15 रन दिए और 1 विकेट प्राप्त किया। जवाबी पारी खेलने उतरी लखनऊ सुपर जॉइंट का भी शुरुआत अच्छा नहीं रहा। उसका पहला विकेट 1 रन के स्कोर पर अश्विन कुलकर्णी के रूप में गिरा। अश्विन कुलकर्णी जो कि खाता भी नहीं खोल पाए और तुषारा की गेंद पर आउट हो गए। बट उसके बाद एस्टोनिस और राहुल ने पारी को आगे बढ़ाया और पावर प्ले में एलएसजी को बहुत ही अच्छी शुरुआत दी। पावर प्ले के दौर में ही लखनऊ सुपर जॉइंट ने 1 विकेट पर 52 रन बना लिए थे। लखनऊ सुपर जॉइंट की तरफ से
एस्टोनिश टॉप स्कोरर है जिन्होंने 45 बॉल पर 62 रन बनाया जिसमें से 7 चौके और 2 छक्के शामिल थे। ये एस्टोनिश ने बॉलिंग में भी 1 विकेट प्राप्त किया था, इसलिए इसके हरफनमौला खेल को देखते हुए ही मार्कस एस्टोनिश को मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया। वहीं वो कप्तान राहुल ने भी 22 बॉल पर 28 रनों की पारी खेली जिसमें 3 चौके और 1 छक्के शामिल थे। इस तरह से इन लोगों की पारियों के बदौलत लखनऊ सुपर जॉइंट ने 19.2 ओवर में 145 रन बनाकर टारगेट को हासिल कर लिया और इस तरह से लखनऊ सुपर जॉइंट अपनी 6th जीत दर्ज करने में कामयाब हो पाई। मुंबई इंडियंस की तरफ से कैप्टन हार्दिक पांड्या ने 4 ओवर में मात्र 26 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। वहीं पे बुमराह ने बहुत ही किफायती बॉलिंग की और 4 ओवर में मात्र 17 रन दिए, बट उन्हें वो भी विकेट हासिल नहीं हुआ। बट यहाँ से अब प्लेऑफ की लड़ाई बहुत ही दिलचस्प हो गई है, क्योंकि RR तो लगभग प्लेऑफ में पहुंच चुकी है, उसके बाद KKR, LSG, CSK और SRH के बीच बहुत ही कट्टर मुकाबला हमें देखने को मिलेगा प्लेऑफ में पहुंचने के लिए, क्योंकि ये बाकी 4 टीमें लगभग प्लेऑफ में पहुंचने के प्रबल दावेदार है और पहुंचना किसी 4 को ही है, तो किसी न किसी एक को तो बाहर होना ही पड़ेगा। तो देखते हैं आगे का प्रदर्शन इन लोगों का कैसा रहता है और कौन सी टीम प्लेऑफ में पहुंच पाती है।